नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कछुए की अंगूठी पहने देखा होगा, क्योंकि इस तरह की अंगूठी पहनने से धन का मार्ग खुलता है। साथ ही वास्तु शास्त्र में भी इसको शुभ बताया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अंगूठी पहनने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वे लोग इसे धारण करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार कछुए को भगवान विष्णु का कच्छप अवतार का स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन के अनुसार भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था और इस मंथन से ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अंगूठी कैसे धारण करें। कछुए की अंगूठी पहनने से पहले कच्चे दूध से उसको डुबोएं, फिर गंगा जल से उसको साफ करके माता लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर गाय के घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करने के बाद अंगूठी को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। आपको बता दें कि कछुए की अंगूठी को पहनते समय ध्यान रखें कि उसका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, इससे धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर बाहर की तरफ मुख होगा तो धन आने के बजाय चला जाएगा। वहीं अंगूठी को सीधे हाथ के बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली में या फिर अंगूठी के पास वाली यानी तर्जनी उंगली में पहने। इन्हीं दो उंगलियों में अंगूठी को पहनने से आपको लाभ होगा। कछुए को माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी अंगूठी को शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। ज्यादातर लोग बिना जानकारी के किसी भी दिन अंगूठी को धारण कर लेते हैं। साथ ही अंगूठी चांदी या फिर सिल्वर मेटल की ही होनी चाहिए। इसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क और मन पर पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि कछुए की अंगूठी को पहनने के बाद उसे घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंगूठी को घुमाने से कछुए के मुख की दिशा बदल जाती है, जो धन में रुकावट ला सकता है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि अगर हाथ में अंगूठी है तो उसे घुमाते रहते हैं। कछुए की अंगूठी को घुमाने से वो फायदा नहीं देगी, ऐसा करने से धन का मार्ग रुक जाता है। तो वहीं से एक बार धारण कर लें तो कभी भी कहीं भी नहीं उतार सकते। अगर आपको किसी कार्य की वजह से जैसे नहाने के दौरान, काम करते समय या फिर आटा गूंथते हुए अंगूठी को उतारना पड़े तो उतार कर पूजा घर में रख दें, फिर उसको माता लक्ष्मी के चरणों से छुआ कर अंगूठी को धारण कर लें। ऐसा करने से अंगूठी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।